हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का दिन है बहुत स्पेशल, आज फ्राइडे का फास्ट है और सबसे बड़ी बात आज है गुरुपर्व, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। बहुत खुशी का दिन है, तो आज दो दो सेलिब्रेशन साथ में है। फ्राइडे के फास्ट की एक अलग खुशी होती है और गुरुपुरब है तो उसकी भी अलग खुशी है। कुछ अच्छा खा नहीं पाए, हैप्पी गुरुपुरब जो जो मनाते हैं उनको भी, जो नहीं मनाते उनको भी। मतलब एक बड़ा अच्छी सी फील आती है दिवाली के बाद। जो दिवाली की लाइट्स वगैरह ना, वो मैंने दिए भी बचा के रखे थे कि आज मैं जलाऊंगी, पर कुछ अच्छा नहीं बना पाऊंगी, वही तोरी बनानी पड़ेगी क्योंकि फ्राइडे का फास्ट है। कोई बात नहीं, सना उठ चुकी है, जो जो करते हैं दिखाते हैं आपको, बाहर मिलवाते हैं सबसे। तो बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। और बताइएगा किस किस ने मनाया और कैसे मनाया, कैसे बनाते हो आप गुरु? कुछ अच्छा एक होता है, बंदा गुरुद्वारे चला जाता है, कुछ अच्छा बनाता है, कुछ अच्छा खाता है, तो सेलिब्रेशन हो जाता है यार। भगवान को वही बात है, अच्छे दिल से जहाँ बैठ के याद करो, बट एक दिल में वो चीज़ होनी चाहिए। तो बस दिन की अच्छे नोट पे करते हैं शुरुआत। मम्मी की चल रही है तैयारियां, ये गुरुपूर्व है ना। हाँ है हमारा। अच्छा आपके अच्छा, भी हुई है आज गुरुपूर्व है तनिष, हैप्पी गुरुपूर्व। और क्या कहते हैं, आज एक पर ये है, मैं वैसे कुछ अच्छा बनाती खाने में, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आज दिए हुए जलाऊंगी, पर आज पर तुम्हें मिलेगी आलू की परांठी और तोरी की सब्जी। ओके यार, ये मुक्ति तुम्हारी कुर्ती बड़ी सुंदर लग रही है, नाइस फ्रूट कस्टर्ड। और ये थैंक्स बोल परी को, परी की वजह से बनाया था। मम्मी खाया था आपने? क्यों नहीं खाया, शुगर फ्री बनाया है इस बारी तो। क्यों वो संत नगर जाना कल? अचानक से कैसे बन गया प्रोग्राम? सुबह उसमें आया था, फिर मैंने ही फोन करा था। अच्छा गुरु महाराज जी आ रहे हैं? हाँ। कब आएंगे, आज या कल? आज आ जाएंगे। अच्छा तो आप तो एक ही दिन जाना नहीं तो करते हो, कल जाएंगे ना सुबह। तो थोड़ा कस्टर्ड खा लो ना मम्मी, नहीं है मेरे को तो कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता। दो चम्मच खा लूंगा। तनिष अच्छा लग रहा है वैसे शुगर फ्री वाला, फर्क लग रहा है? पर ये इतना हेल्दी थोड़ी है। हाँ चीनी तो नहीं गई है, तो कभी जैसे तेरे को बहुत अच्छा लगता है वैसे तो खाने के, तो अच्छा है ना। हाँ अब थोड़ी बनाया, वो तो परी ने बोला था, मैंने कहा चल बना देती हूँ। यहाँ पर तोरी बन चुकी है, आलू बल्ले रख दिए, बच्चे आलू ही खाएंगे। यहाँ मेरा ये देखो, ये अचार मस्त है, ये अचार मैं जरूर बनाती हूँ। कौन सा ये है, मुक्ति खोलना है परी? ये है नींबू मिर्ची का अचार, ये हर फ्राइडे को मैं फ्रेश बनाती हूँ और मोस्टली सारा खत्म हो जाता है, मैं ही खा लेती हूँ सारा। ये काम हो गया सारा है। और ये देख लो, ये अटैची ना, अटैची पैक हो चुका है मम्मी है। मम्मी अभी देते मम्मी की तैयारी करा लो, क्रेजी फैम फिर मिलते हैं आप। अभी ना उनको धीरे धीरे सारे बहुत काम याद आएंगे, लिफाफा उनकी पैकिंग करा दूँ अच्छे से, क्योंकि एकदम से प्रोग्राम बना है। और एक्चुअली ना संत नगर में जब गुरु महाराज जी आते हैं ना, तो मम्मी को आज सुबह 4 बजे उठी होंगी, तो वहाँ सत्संग में पता चला, तो इन्होंने दीदी को कॉल कर दिया। दीदी थोड़ा सा मतलब सोच तो रही होंगी, बट एक होता ना कि एक का एक साथ हो जाता है, फिर मम्मी ने बोला चल चलते हैं, तो अब वो दोनों जा रहे हैं, आज रात को निकलेंगे। मुक्ति तुम कभी फेल नहीं होती, हमेशा पास होती हो, वेरी गुड नाइस। और यहाँ पे आ चुका है देखो क्या, कल शौरू ने मंगवाई थी ना ये, एक उसने ना कंप्रेशन टी शर्ट अपनी पसंद से ही मंगवाई थी, पहले हुडी बोल रहा था, कल शाम को ऑर्डर किया और मिंत्रा से आज डिलीवर भी हो गया। और अभी सो के उठेगा ना, बड़ा खुश होने वाला है। और पहन के फिट कैसा आता है, मैंने कहा असली चिल्ड्रन डे तो उसने मनाया, बहुत उसके तो मज़े आ गए। ये भी और उसका लक्की था वो कि उसको मैं मिल गई, मैं क्यों मिल गई, मम्मी ने भी पार्टी कराई, बच्चे जो खाना वाना खा के आए सब मम्मी ने स्पॉन्सर किया था। और सना को देखो, सना नुकसान में रहेगी। सना मैं मिलती तो तेरे को तू क्या मांगती मेरे से? मैं ये कोई मेकअप की चीज़ मांग लेती है ना, फिर मैं बोलती आप मेरे को हक कर लो। चलो जी चाय आ चुकी है, चाय अच्छी मिल रही ना ये, किसके घरों में ऐसा होता है कि ये ना तनिष ने कपड़े इसको दे दिए हैं अपने, जो नहीं पहनने वो उसमें खुश हो रही है कि भाई ने कपड़े दे दिए और उसके ओवर साइज का ना। और कल बता तनिष मुझे क्या बात कर रहा था, इधर आ जाने, कल मेरे को कह रहा है पिछले साल तक हम बच्चों वाले कपड़े को पहनते थे, ये बड़े अचानक से हो गए क्या लड़के? इसकी जिम में तारीफ कर दी ना किसी ने, किसी ने क्या बोला, ये मेरे को गुनाह लग रहा है। और मैं बताता हूँ ना कि आप बिल्कुल एक फ्रेश फेस लग रहे हो, जैसे इंडस्ट्री में आते हैं कयामत से कयामत तक के आमिर खान लग रहे हैं। और ये बच्चा मैंने बताया ना, सुन, और मैंने बताया ना ये इसका जो हेयर कट भी है ना, वो हमारे टाइम के हीरो बताते हैं। रोटी बनना शुरू हो गई है और आज कुछ क्रेजी अनबॉक्सिंग होने वाली है। एक चीज मैंने किसी की वायरल रील देख के मंगवाई थी और मुझे लगा था मैं पीछे शादियों पे गई थी यूज करूंगी, बट नहीं करी आज पर, और प्रैक्टिकल है कि नहीं है, नहीं तो रिटर्न करा दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी अच्छी है कि नहीं। और अभी सॉरे उठता तो उसकी भी अनबॉक्सिंग वो करनी है, उसको खुश होता है नहीं होता। और कितनी जल्दी है यार मिंत्रा की सर्विस, कल मंगवाई, कल शाम को ही तो ऑर्डर करिए।
और आज अभी और दादी खा रही है कस्टर्ड। कैसा बना दादी? अच्छा बना, बढ़िया बना। करा गया चीनी और उसमें नहीं फर्क पता चल रहा ना, अच्छा तो है। मुक्ति कैसा है? ये भी बीमार है, इसका तो भूल ही गई थी मैं, इसको भी शुगर है, ये खुद ही भूल जाती है। अच्छा है मुक्ति, तुम्हारे ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया? एक साल। और जिसने वो ब्लॉग जाके नहीं देखा ना वो देखना, ये इतनी कॉन्फिडेंस से गई थी घर। बीमारी जो आएगी देख लेगा, जो डॉक्टर ने बोला तो जो रोई थी वहां पे। पूजा कर ली थी और आज इन बच्चों ने पता नहीं क्या किया, पूजा से पहले किसी ने भी खाना नहीं खाया। अब इनको खाना खिलाती हूँ। तनिष क्लास कर रहा है अपनी और शौर्य तो अभी लेटा ही हुआ, उसको उठाती हूँ। पूजा मैंने पहले कर ली, मम्मी भी चली गई पूजा के बीच ही, मेरे को पता ही था। राजेश भैया की वेट कर रही थी, वो आए और चली गई, क्योंकि फिर राजेश भैया दूर जाना है, फिर वापस भी आएंगे छोड़ के। तो देखो अब कब आती हैं, अभी कल तो दर्शन करने ही जाना है उनको वहाँ पे। चल अच्छा है, अच्छे से दर्शन हो जाए। उनकी बड़ी टाइम से इच्छा थी कि चले जाए चले जाए। आलू की परांठी नहीं खानी? चलो आप तवा रख रहे हैं बेटा, ख़त्म करो काम को, खाना तो पड़ेगा। और ये देख लो हुडी, ये तनिष भैया ने सारी दे दी इसको। चलो है, हाँ चलो। शौरू मेरा उठ चुका है, गुड आफ्टरनून शौरू। चलो क्या कर रही है वो देख, वो तनिष भैया ने दिया है वो, देखो झगड़ा तनिष। कोई बात नहीं, मिलजुल के बहनों बहन भाई, और बहनों को भाइयों के कपड़े पहनने वाले। और शौर्य मतलब इतना एक्साइटेड है, चिल्ड्रन डे था, सुन आ रहा है खुश हो गया सुना। वो वैसे भी तनिष दे चुका था उसको। अच्छा शौर्य, 80 चिल्ड्रन डे तो आपका मना था वैसे, और हैप्पी गुरुपुरब। मुक्ति दिए मेरे दे देना भैया, हाँ तुमने संभाले थे, कह रही मेरे को मिल नहीं रहे, नहीं तो मिल रहे हैं ना, मिल गए, वेरी गुड। दिखा ये इसने मंगवाई है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन टी-शर्ट, कंप्रेशन टी-शर्ट और फुल स्लीव्स मंगाई। टन 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 टन, ओ माय गॉड, तो सही है हाँ। और ये विंटर्स के लिए वो वार्मर की तरह भी काम करेगी। चल अच्छी लग रही है, चल नाइस, मजा आया, बहुत मस्त, थैंक यू बोलो, से थैंक यू। और ये देखो खाने बैठ गए, और ये सना खा रही है नमक वाली रोटी। शौरू आप भी आ जाओ, नमक वाली रोटी है ना, हाँ इसका आजकल आलू की परोंठी से दिल चढ़ गया। और ये देखो हेल्दी सैलड जरूर खाते हैं बच्चे। और तनिष, और तनिष ने अभी, तनिष पर अभी तो आप कर्ड खा रहे हो, तो चाय कैसे पियोगे आप, चाय बोल रहे हो जो बस बनते बनते ये सब खाने का फिर चूज करना ठीक है। सर्दी आ रही है ना, दिल कर रहा है ना। शौरू आज सुबह मैच खेलने गया था और जीता, और वहाँ इसके फ्रेंड्स जो है हमने कल प्लान बना लिया था ना कि सारे 2200 फिर अगर जीते तो छोले भटूरे खा जाएंगे, तो हम जीत गए। मेरे को उसी टाइम मैं जा ही रहा था, मेरे को उसी टाइम दिमाग में हिट हुआ आज तो फ्राइडे है। अब फ्राइडे को ही आपके क्यों प्रोग्राम बनते हैं ऐसे वैसे, चल कोई बात नहीं। सिर्फ दो फास्ट और रह गए, 29th को व्यापन भी है व्रत का, तो 29th। और जब हमने शुरू करते हैं ना बंदा, तो थोड़ा सा वो होता है कि माता रानी करे सब अच्छे से हो जाए, पर टच वुड अभी दो रहते हैं, अच्छे से हो गया। और 29th को उद्यापन है, तो मैंने कहा बता दूं आपके साथ शेयर करूं। और कई लोगों ने, एंजल जी ने पूछा भी था कि कैसे करते हैं, मैंने सबको बताया था कि कैसे करते हैं, जितना मैं जैसे करती हूं, मैं कोई वही बहुत है बहुत वो तो हूं नहीं, बट जैसे मैं रखती हूं मैं सबको बता दिया था। और 29th को उद्यापन है, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है हर चीज़, छोटी से छोटी बात बड़ी से बड़ी बात आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो अब मुक्ति के लिए भी बना दी आलू की परांठी। दी मना कर रही थी कि नहीं मैं तो चावल खा लूंगी, हम औरतें ऐसी क्यों होती हैं कि जो बच्चा है वो खा लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, मजे लेने चाहिए। और इसको ऐसे शुगर है पर नहीं, आलू की। पर कोई बात, आलू से वो नहीं होता, तुम काम जितना करती हो ना तुम्हारी शुगर तो वैसे भी नहीं रह सकती। चलो और देख चाय बन चुकी है, इसको भी चाय पीने में बड़े मजे आते हैं। और आज रात को बन रहे हैं बच्चों ने चेंज के लिए सोयाबीन नहीं बोल के बोल रहे हैं चने की दाल के चावल बनाओ, तो ठीक है ये तो बढ़िया, मुक्ति को आराम मिल गया, अब ये रेस्ट करेगी और उसके बाद रात को ये तो जब बच्चे खाएंगे तभी तड़का लगा दूं। ठंड आ चुकी है फाइनली, और ये शक्तिमान बने हुए क्यों हो आप? लेग डे आज, वो सबसे टफेस्ट डे होता है ना, ठीक होता है तो इतना ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत थका हुआ? नहीं क्यों, ये ऐसे ही रहता है। नहीं थोड़ा सा तो हो जाता है, पढ़ाई के साथ साथ जिम भी करना है, कितना भारी काम है। नहीं अच्छा सुन एक चीज और, अगर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रोटीन कैसे पूरा करें ये भी बता दो, क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। सोयाबीन और वे प्रोटीन, तो मतलब प्रोटीन हो जाता है पूरा, और प्रोटीन पाउडर लेना हार्मफुल है कैसे है? नहीं अगर आप नेचुरली ले सकते हो तो ले लो, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर अपना ऐड कर दो सप्लीमेंट में। सप्लीमेंट ठीक है लेना, हाँ एक स्कूप दिन का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं हो पा रहा तो एक स्कूप डालने में 25 ग्राम डायरेक्ट आपको प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा मतलब वो इजी वे आउट है ना, इजी वे ठीक।
यहाँ पर लग चुकी है प्लेट खाने की और व्लॉग देखूंगी साथ में, खाना खा लेते हैं। वो बच्चे गए हैं अभी नीचे थोड़ी देर, क्या कहते हैं, साइकिलिंग वगैरह करेंगे। और सना गुरुद्वारे भी गई है, दिए भी जलाने हैं, पर अभी मैंने कहा पहले 6:30 बजे, अभी मैंने कहा खाना खा लेती हूँ। पूरा घर खाली है यार, बिल्कुल खाली। तनिष जिम गया हुआ है, खा लेती हूँ, भूख लगी हुई है, फिर उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। कुन्नू स्टैग आ चुका है और कुणाल देखा कौन आया था घर में, ये देख यार मेरे लिए, ये हिना की मम्मा आई थी। अच्छा, वो सना के वो रिबन कटाई यार देख, और रिंग मिली इसको, कलीचड़ी जो जीजे लाते हैं ना, वो अभी सबके घर जा रही है। सबसे पहले इसको देख, पसंद दिखा सनो, ये रिंग मिली है। और ये भाजी भी आई है उसकी शादी की, और हिना से मेरी बात भी हो गई, पता है, वो बड़ी खुश थी। हाँ खुश थी, घूमने जा रही है, मलेशिया जा रही है, मलेशिया या मॉरिशियस दोनों में से 25 को जाएगी। हाँ 25 को जाएगी और 3 को आएगी, फिर जल्दी मिलेंगे। हाँ और 18 को भी रहने भी आ रही है, देखेंगे अगर कुछ बना प्रोग्राम तो वो बात बात तो करेंगे। शुरुआत हो रही है, ये देखो पटाखे भी फट रहे हैं, सना जला रही है। और पता है अचानक उनकी उसकी मम्मा का कॉल आया, हिना की मम्मा का, कि आप घरों में आ रही हूँ, मुझे फटाफट वो क्लिप बनाने का भी नहीं सूझा, और हर बंदा कंफर्टेबल भी नहीं होता, बट इतना अच्छा लगा। और हिना अपने घर खुश है और हैप्पी है, 18 को रहने आएगी, 25 को घूमने जाएगी, तो फिर उसके बाद जल्दी मिलूंगी मैं। और मेरे को ना 2 दिन से सच्ची बताऊँ, नींद सपने में भी आ रही, बोल भी रही थी चाची मेरे से भी, मेरे को ये लग रहा था यार लड़की जब शादी करके जाती है ना, तो आप उतना कंफर्टेबल होकर नहीं बोल पाते कि मुझे ये भूख लगी है या, तो मेरे को ये लग रहा था कि कैसे बोल रही होगी, कहीं चुप तो नहीं बैठी होगी, तो मैं इनको भी बोल रही थी मिस्ट्री मैन को, मैंने कहा यार मेरे को ना टेंशन हो रही है। फिर कल मैंने उसकी भाभी से पूछ लिया था कि ठीक है, वो कह रही है हाँ बहुत खुश है। चलो जी बस यही होना चाहिए। और आज वो आए ना, अभी हम हिना की बातें करते, हिना का कॉल भी आ गया, फिर मैंने बात की, तसल्ली हो गई मुझे कि चल खुश है। और गुरुपुरब का थोड़ी सी लेट हो गई मैं, बट मेरे को ये था कि चल वो चले गए, तो हालांकि अभी टाइम सिर्फ 7 ही बजे, अंधेरा इतनी ज्यादा जल्दी हो जाता है। और आपको पता हमारे जिम में प्रॉपर भंडारा हुआ है, सब कुछ जिम में पूरा। मेरी पता मेमोरी क्या है, जब हम छोटे होते थे ना, मम्मा पापा ना हमें वहाँ ले जाते थे, बंगला साहब नहीं, नानक पे गुरुद्वारे की रोड पे ना, ये जो शक्ति नगर वाली रोड है वहाँ पे पूरा, वहाँ से चलता है बंगला साहब से पूरा नगर कीर्तन, और वहाँ पे जो प्रसाद मिलते हैं, भंडारे होते हैं। हमारा बचपन मतलब ऐसे निकला है, पापा स्कूटर पे बैठा के हम दोनों बहनों को और मम्मा पापा लेके जाते थे, फिर वहाँ खा के आते थे, और वो मेमोरी है ना जो याद रहती है बचपन में। चलो जी पूरे घर में लगा दिया है, वो भी देर हो गई, आ जाओ। चलो अनबॉक्सिंग शुरू हो चुकी है। और ये पता है इतने दिन से मुझे, और ये मैंने ली थी हिना की शादी के लिए कि जाऊंगी तो यूज करूंगी, और ये किसी की कोई मेकअप आर्टिस्ट थी, उन्होंने अपनी ब्राइड के साथ ये चीज यूज की। बताओ सना को क्या है सना, ये ना जैसे वो, जैसे मैं कई बार स्टेपल कर लेती हूँ चीज को, ये वो आई हुई है, टेप नहीं है, मशीन करना है कोई, हाँ वो कट करते हैं और माल वो इनविजिबल से। सना गरी ये तो सही चीज आ गई, ये टैग पिंस इसका नाम बोलते हैं, टैग पिंस दिखाइयो भाई साहब, मेड इन इंडिया यार, इंडिया में ऐसी जैसी चीजें मिल रही हैं, मुझे यूज करनी तो आएगी नहीं आएगी पता नहीं, क्या है भाई हैं, रुक ना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें होगा ना कुछ, ये मिस्ट्री मैन भी तो है, ये मिस्ट्री मैन नहीं कर पाएंगे। वेट वेट यार ये तो कुछ, आपने वीडियो देखी तो थी, मैंने तो चलाते हुए उसने बस देखा टक टक, ये इसमें इंसर्ट होगा, मेरे को दिखाओ। वाह लो अब चाची कर रही है तो, तेरे से तो इसको ना निशानी मिल गई है एक, हाँ इसको स्टार्ट करके दे दिए, दा बता दे उसके आगे, इसने सारा आंसर लिख लिया, ये देख ये देख, दो से क्या होता लग नहीं रहा लेकिन देख के अच्छा लग रहा है जी, है क्या हो गया ये तो फेल होता हुआ दिख रहा है, मैं आप करके दिखा दूं, नहीं आखिर में मिस्ट्री मैन ही करेंगे फिर हम करवा के, थोड़ा दिमाग लगाया चाची ने फिर से अपना, वो कह रही है कि ये शायद अलग अलग लगे, अरे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बॉयज आ चुके हैं, तो और हीना की मम्मी और भाई भैया आए थे, और मैंने कॉफी बनाई, और उसका वो रिबन कटाई मिली सना को, कलीचड़ी रिबन कटाई कैश मिला, वो जो बहनों को मिलता है वो देने आए थे यार, और रिंग भी मिली इतनी सुंदर सना को, कलीचड़ी जो मिलती है जीजो से, आते ही बॉम्बे सैंडविच खा लिए दिल्ली में, कैसा है बढ़िया, जो तू बनाता है यार मैं ना मिस्ट्री मैन को काम लेके आ रही हूँ, चने की दाल की राइस खा रहा है,
अभी वो लोग वहाँ चेक कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया है यूट्यूब पे देख के हो जाएगा, पर एंडिंग से के बाद शायद होगा। तो आज कमेंट में देख रही थी ईशा अम्मा जी पाकिस्तान से, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे। मैं अपना दिल की बात बताऊं, मैंने बचपन से सुना है, मेरी ना जो दादी थी ना वो रावलपिंडी की थी, और मेरे मतलब एक होता है ना बचपन जो उनकी बातें सुनी थी कि ऐसा होता था वैसा होता था, जा ही नहीं पाए कभी। और वहाँ का जो ननकाना साहब गुरुद्वारा, मेरा बड़ा दिल है कि कभी जा पाए वहाँ। बहुत मतलब एक होता ना कि इच्छा है, कभी जा पाए तो ज़रूर जाना चाहूँगी मैं तो ननकाना साहब गुरुद्वारे के लिए। मैं भी गुरुद्वारे और वहाँ की लाइफ, और जैसे हमें बताते हैं कि जो हमारे डैडी के भी पापा थे वो उधर रहते थे, तो उनका लाइफ स्टाइल वगैरह देखना। और एक चीज़ और, वहाँ का ना कराची के जो सीरियल्स मैं देखती हूँ ना, वो बीचेस वगैरह वो मुझे बड़ी वो अच्छी लगती है देखने में, दिल करता कि नहीं चलो। मेरा भी मेरे को ये है कि वो कराची में एक बड़ा ना, हम बहुत उसकी वो देखते हैं, वो फनी वीडियोस बनाता है एक जना। अच्छा, पी फॉर बकाऊ सर। अगर इनके उससे कुछ मिलना हो पाए तो मैं जरूर। कभी मीटअप होगा तो यार, कभी क्या पता क्रिएटर्स का मीटअप हो, हम उस लेवल पे पहुंच जाए हम भी ट्राई करेंगे। तो शौरू आप क्या? मेरे को भी वो बहुत पसंद है। पी फॉर बकाऊ शौर्य, मैंने तो नहीं सबसे पहले साथ में देखी थी उनकी वीडियो। चलो जी, अब मशीन का तो अनबॉक्सिंग नहीं हो पाई क्या, कल हो पाएगी अगर मैं रात को यूज कर पाई तो जरूर बताऊंगी। आज का शाउट आउट जाता है रवि शंकर को, वो पंजाब में पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनको। मैं अच्छी लग रही हूँ, कुणाल भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। इस लायक है कि नहीं है पता नहीं, बट आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो इसी के साथ एंडिंग कर दो। चलो, पीस।